हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स। लास्ट वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस एंड एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ा था इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड के बारे में कि मैमरी ग्लैंड क्या होते हैं और किस तरीके से फंक्शन करते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू द मेमोरी ग्लैंड्स। जो मेमोरी ग्लैंड्स वर्ड आया है वो आया है मैमा से जब हम क्लास मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स का मतलब ही है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब ये है कि ऐसे ग्लैंड्स जो यंग वंस को फीड करने के काम में आते हैं तो मैमल्स का फीचर है मेमोरी ग्लैंड्स बट जब हम बात करते हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल मैमल्स में अब इनको फंक्शनल क्यों बोला गया है इनको फंक्शनल इसलिए बोला गया है क्योंकि फीमेल्स में ये मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सिक्रीट करते हैं और मिल्क जो सिक्रीट करते हैं वो यंग वंस को फीड करने के काम में आता है तो हम स्टडी कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास ट्वेल्थ सो हियर द मेमोरी ग्लैंड्स आर द ग्लैंड विच आर नॉट द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेमोरी ग्लैंड्स को प्लेस किया गया है मेमोरी ग्लैंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है मेमोरी ग्लैंड्स एक ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका डेवलपमेंट एज के साथ होता है अब एज के साथ कैसे होता है जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है एक फीमेल जैसे, जैसे जैसे ग्रोथ करती है तो ग्रोथ करने के साथ साथ उसमें सेक्सुअल मेचोरिटी आती है उसमें प्युबैरिटी आती है तो प्यूबैरिटी वो एज है जिसमें हम ऐसा बता सकते हैं कि एक टीनेजर मेल है या फीमेल है और उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनमें डेवलप होते हैं तो मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट फीमेल्स में एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अब जो ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक मेमोरी ग्लैंड है उसमें पूरा डिटेल है सेक्शनल व्यू है मेमोरी ग्लैंड का कि मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं और उनमें किस किस टाइप की सेल्स होती हैं और वो किस तरीके से मिल्क सिक्रीट करती हैं और मिल्क जो है उसका लैक्टेशन होता है यानी कि जो बच्चा है वो माँ का दूध किस प्रकार से ले सकता है सो मेमरी ग्लैंड का हम साइड व्यू सेक्शन देख रहे हैं दिस इज द साइड व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर Gland. सबसे पहले बात जब हम मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये दो चीजों से बना है इट इज मेड अप ऑफ फैट इट इज मेड अप ऑफ फैट इसमें फैट प्रेजेंट है एंड दिस फैट इज इन द वेरिएबल क्वांटिटी। ये जो फैट है इसका वेरिएबल मास है तो हम ये बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ फैट और वेरिएबल मास ऑफ फैट जो फैट है उसका वेरिएबल मास है नेक्स्ट इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू किससे बना है ग्लैंडुलर टिश्यू से बना है तो दो चीज़ों से बना है फैट जो कि वेरिएबल अमाउंट है और दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू ग्लैंड है और बायोलॉजी में बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना है कि ग्लैंड वर्ड जहां पे भी आ गया इसका मतलब कि वो ऐसी चीज़ है जो कोई ना कोई सब्सटेंस बनाएगी किसी ना किसी किसी चीज़ का सिक्रीशन करेगी तो मेमोरी ग्लैंड हैं तो एक इसका सिक्रीशन कर रहे हैं मिल्क का सिक्रीशन कर रहे हैं मैमरी ग्लैंड्स में ये है फैट ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में ये है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट या हम कह सकते हैं ये फैट है इसी के साथ साथ मेमोरी लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड में तो ये जो है ये है मेमोरी लोब्स ये पूरे जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको दीज आर मेमोरी लोब्स इन मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होती हैं सेल्स मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होती हैं सेल इनको बोलते हैं एल्व्यूलस मेमोरी एल्व्यूलस एल्व्यूलस का मतलब होता है जो सेल्स सिक्रीट करेंगी मिल्क जब ये एल्व्यूलस मिल्क सिक्रीट कर लेती हैं तो ये मिल्क कहाँ जाता है मेमोरी डक्ट्स में तो यहाँ पे ये जो आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं दीज आर मेमोरी डक्ट्स ये मेमोरी डक्ट्स क्या करती हैं जो मिल्क बना है उसको लेती हैं उसको कैरी करती हैं ये जो मेमोरी डक्ट्स हैं ये ओपन होती हैं एम्प्यूला में जो फूला हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है एम्प्यूला तो अल्टीमेटली मिल्क कहाँ आता है एम्प्यूला में और एम्प्यूला से ये जाता है लेक्टिफेरस डक्ट्स में तो ये सीधी सी जो सीधी सीधी जो डक्ट्स दिखाई दे रही हैं दीज डक्ट्स आर नोन एज लेक्टिफेरस डक्ट और ये लेक्टिफेरस डक्ट्स ओपन होती हैं निपल में तो इस तरीके से जो मिल्क है वो बनता है और उसका लैक्टेशन भी होता है तो ये एक ओवर हो गया अकॉर्डिंग टू द एन सी का ये डायग्राम है इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन सी लेबलिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट हैं ये हैं रिब्स इसी के साथ साथ रिब्स के बीच बीच में मसल्स भी प्रेजेंट है सो मसल्स बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट है एंड कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स भी यहां प्रेजेंट है दैट इज मसल पैक्टोरिस मेजर मसल ये रही पैक्टोरिस मेजर मसल इसी चीज को एक बार हम पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरीके से मिल्क बना कहां, कहां पे वो गया तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि memory glands में क्या -क्या present है? Memory glands में क्या-क्या है? है है तो ये है fat की layer जो कि वेरिएबल अमाउंट में है क्या बोला था मैंने आपको पहले कि जो फैट है दैट इज अ वेरिएबल मास इट इज इन वेरिएबल मास अब बात आती है कि जो मेमोरी ग्लैंड हैं उनमें क्या प्रेजेंट है? है।, उन है।, तो है ये मेमोरी लोब्स हैं ये रहे मेमोरी लोब्स जो यहाँ पे बहुत ही क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं तो मैंने दो मेमोरी लोब्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है सो दीज आर मेमोरी लोब्स ये मेमोरी लोब्स हैं अब कितने मेमोरी लोब्स हैं 15 टू 20 15 टू 20 मेमोरी लोब्स हैं ईच ब्रेस्ट में अब यहां पे जो मेमोरी लोब्स हैं इन मेमोरी लोब्स के अंदर एक एक सिंगल सिंगल मेमोरी लोब को अगर हम कंसीडर करें तो मान लीजिए एक सिंगल मेमोरी लोब है ये एक सिंगल है ये वाला एक है ये वाला ये वाला, बहुत सारे मेमोरी लोब्स हैं। हर मेमोरी लोब में क्या प्रेजेंट है हर मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिनको क्या बोला जाएगा एलवियोलस एलवियोलस क्या बोला जाएगा इनको एल्व्यूलस या मेमोरी एलव्यूलस क्योंकि मेमोरी ग्लैंड की है तो यहां पे हम मेंशन कर देंगे मेमोरी एलव्यूलस तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये है मेमोरी एल्व्यूलस ये रे मेमोरी एल्व्यूल किसके अंदर है मेमोरी लोब्स के अंदर है अब ये जो एल्वियोलस हैं इनका काम है मिल्क को सिक्रीट करना सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क ये मिल्क का सिक्रीशन कर रही हैं, जो भी ये मिल्क सिक्रीट कर रही हैं वो मिल्क इन सेल्स की कैविटी या ल्यूमन में इकट्ठा हो रहा है तो मान लीजिए ये एल्वियोलस है और ये जो भी बना रही है इनकी जो सेल्स हैं ये जो भी बना रही है, ये कहां हैं ये कहाँ पे इकट्ठा कर रही है अपने सामान को ल्यूमन में तो जो मिल्क है वो ल्यूमन में कलेक्ट हो रहा है ल्यूमन क्या होता है सेल्स के बीच का जगह या या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आसपास की जो जगह है वहां पे क्या इकट्ठा हो रहा है मिल्क इकट्ठा हो रहा है सो द क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट इज मेमोरी एल्वियोल सिक्रीट मिल्क एंड द सिक्रेटेड मिल्क इज कलेक्टेड इन द ल्यूमन और द कैविटीज ऑफ दिस पर्टिक्युलर सेल्स अब इन कैविटीज में मिल्क कलेक्ट होने के बाद मिल्क कहाँ जाएगा इन्होंने मिल्क जो है वो बना लिया है अब वो जो मिल्क है वो पास ऑन होगा छोटे छोटे ट्यूब्स में जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स से जुड़ी हुई है तो ये जो छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स हैं यहाँ से जो इस तरीके से निकल रही हैं ये जो ट्यूब ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स को हम बोलेंगे ये वाली पहले इनको मेंशन कर लेते हैं ये जो ट्यूब्स हैं दीज ट्यूब्स आर नोन एज मेमोरी टिब्यूल्स ये ट्यूब्स क्या होंगी मेमोरी टिब्यूल्स मेमोरी टिब्यूल्स का मतलब है कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स से मिल्क ला रही हैं डायरेक्टली तो ये वाली मैं यहां मेंशन कर देती हूँ मेमोरी टिब्यूल्स ये मेमोरी टिब्यूल्स हैं ये वाली मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली मेमोरी टिब्यूल्स हैं। तो ये जो मेमोरी टिब्यूल्स है और बनाते हैं सिंगल डक्ट सो हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे मेमोरी टिब्यूल्स यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी डक जुड़ के एक सिंगल डक्ट। बना लेती हैं और इन सिंगल डक्ट्स को बोला जाता है सिंगल डट को बोला जाता है मेमोरी डक्ट डक्ट मेमोरी सो मेमोरी टिब्यू किसमें ओपन होते हैं मेमोरी डक्ट में ओपन होते हैं मेमोरी डक्ट किसमें ओपन होता है मेमोरी डक्ट ओपन होता है एक फूले हुए पार्ट में अब क्या होता है कि जो मेमोरी डक्ट जैसे जैसे आगे जाती है टुवर्ड्स निपल जाती है तो वहां पे ये डायलेट हो जाती है फैल जाती है तो उस फूले हुए हिस्से को बोलते हैं एम्प्यूला बायोलॉजी में जो भी चीज जो भी टिब्यूल डायलेट हो जाए उसको बोला जाता है एम्प्यूला तो यहां पे मेमोरी आगे जाके डायलेट हो जाती है उस हिस्से को बोला जाता है मेमोरी एम्प्यूला यहां पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो फूला हुआ पार्ट है ये पार्ट मेमोरी एम्प्य है और मेमोरी एम्प्यूला फिर ओपन होता है ओपन होता है यह सीधे निपल में जाके ओपन हो रही है तो इनको बोला जा रहा है लैक्टीफेरसडक्ट क्योंकि ये lactation तो इन को बोला जाएगा लैक्टी तो इस तरीके से जब हम ब्रेस को स्टडी करते हैं उसका सेक्शन देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स किस तरीके से मिल्क को लेके जाते हैं और लैक्टेशन हो पाता है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मेमोरी ग्लैंड में एक सिंगल मेमोरी ग्लैंड में फैट होता है एंड द फैट इज़ इन द वेरिएबल अमाउंट ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उन ग्लैंडुलर टिश्यू में पंद्रह से बीस मेमोरी लोब्स होते हैं उन एक एक सिंगल मेमोरी लोब में गुच्छों का सेल यानी कि सेल का गुच्छा होता है इस तरीके से गुच्छे वाली सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और ये गुच्छा कहलाता है क्लस्टर ऑफ द सेल और द एल्वियोलस और एल्वियोलाई और मेमोरी एल्वियोलाई यही मिल्क सिक्रिएट करती हैं और कैविटी या ल्यूमन में उसको स्टोर कर लेती हैं ये जो स्टोर्ड मिल्क है वो कहाँ जाता है छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स में जाता है जो डायरेक्टली एलव्यूलाइज से आ रही हैं ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स हैं ये जुड़ के मेमोरी डक्ट बनाती हैं और मेमोरी डक्ट आगे जाके डायलेट हो जाती है और बना लेती है मेमोरी एम्प्यूला और मेमोरी एम्प्यूला ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में जो फाइनली निप्पल में जाके ओपन हो जाती है तो ये सारा का सारा क्या हो गया एक फ्लो चार्ट हो गया कि किस तरीके से मिल्क बना और कहां तक Next time बात करते हैं जब लैक्टेशन की बात आती है तो लैक्टेशन रिफ्लेक्स होता है अब लैक्टेशन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है या कंसीव करती है तो कंसीव करने के साथ साथ जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनमें भी सेल डिफ्रेंसीशन होता है और सेल डिफ्रेंसीेशन की वजह से धीरे धीरे पूरे गैस्टेशन पीरियड में ये डिफ्रेंसीशन जो है वो होता रहता है और होने के साथ साथ जैसे ही बच्चा पैदा होता है यानी कि पाचुलेशन होता है तो जो मेमोरी ग्लैंड हैं वो लैक्टेशन शुरू कर देते हैं यानी कि मिल्क इजेक्शन शुरू करते हैं अब ये जो मिल्क इजेक्शन है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है बायोलॉजी में जब भी वर्ड आ जाए रिफ्लेक्स एक्शन इसका मतलब ऐसा एक्शन जिसमें नर्वस कंट्रोल है यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्स वर्ड हमेशा नर्वस सिस्टम को रिलेट करता है अब वो कैसे काम करता है बच्चा पैदा होता है पैदा होने के बाद उसकी पहली डिमांड होती है मदर मिल्क क्योंकि छः महीने तक का जो बच्चा है वो माँ के दूध पे निर्भर होता है हंड्रेड परसेंट वो अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है मदर फीड पे ही वो पूरा जिंदा रहता है कि फीडिंग की तो यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस आते हैं अब कैसे आते हैं जैसे एक बच्चा सक करता है तो सकिंग से क्या होता है कि जो मदर नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है वो स्ट्यूमुलेट हो जाता है तो सबसे पहले मैं यहां मेंशन कर रही हूँ एक बात ये बेबी है इस बेबी ने अपनी मदर मिल्क को सक किया तो सकिंग की वजह से मदर का जो नर्वस सिस्टम है अब ये जो मदर का क्या है नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट हो गया एक्टिवेट क्यों हुआ मदर का नर्वस सिस्टम इसलिए एक्टिवेट हुआ क्योंकि यहां पे सिग्नल्स गए यहाँ पे क्या गए सिग्नल्स गए जैसे ही बच्चे ने सक किया तो सिग्नल्स गए मदर के नर्वस सिस्टम के पास जब कोई भी चीज अंदर जा रही है तो सेंसरी इंफॉर्मेशन गई फीमेल के नर्वस सिस्टम के पास फीमेल के नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है और ये जो हाइपोथैलेमस है ये आगे स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को तो ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को हम बोलते हैं पिटर्यूटरी ग्लैंड पिट्रिय ग्लैंड टूमुलेट हो गया और हम जानते हैं कि पिट्रियूट्री ग्लैंड में दो लोब होते हैं एंटीरियर लोब एंड दुस्टीरियर लोब अब यहाँ पे क्या होगा जो एंटीरियर लोब है एंटीरियर लोब जो है ये हॉर्मोन सिक्रीट करेगा प्रोलेक्टिन और जो पोस्टीरियर लोब है पोस्टीरियर लोब हार्मोन सिक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन जैसे ही ये हार्मोन सिक्रीट होंगे तो ये हार्मोन रिलीज होंगे Secretion का मतलब रिलीज हुए, होकर ब्लड स्ट्रीम में आएंगे क्योंकि तो पिट्यूटरी क्या करेगा ब्लड को दे देगा और ब्लड की सहायता से ये मेमोरी ग्लैंड के पास आएंगे दीज आर मेमोरी ग्लैंड दीज आर मेमोरी ग्लैंड्स अब मेमोरी ग्लैंड्स पे जब इंफॉर्मेशन आएगी तो वो मोटर इंफॉर्मेशन होगी यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स को एक्ट करना है इसको काम करना है तो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन गई थी तो सेंसरी कहलाती है वापस आती है तो मोटर कहलाती है तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स के पास जब इंफॉर्मेशन आई तो यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड्स की सेल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एल्व्यूलाइज ने अपना काम स्टार्ट कर दिया अब जैसे उसने काम स्टार्ट किया तो उसका काम क्या था हम पढ़ चुके हैं मिल्क को सिक्रीट करना जो सिक्रीटेड मिल्क है वो कैविटीज में कलेक्ट हो जाएगा और टिब्यूस और डक्ट की सहायता से लैक्टिफेरस डक्ट के पास आ जाएगा जैसे इलेक्टीफेरस डक्ट के पास आ जाएगा तो यहां पे उसके आने का मतलब क्या है कि बच्चे को दूध पीना इसलिए मिल्क यहां तक आया बट यहां पे एक और प्रोसेस होता है, जैसे ही इंफॉर्मेशन मेमोरी ग्लैंड के पास आती हैं, तो यहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है मायो एपीथिलियल सेल्स मेमरी ग्लैंड में कुछ सेल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं मायो एपीथिलियल सेल और ये माओ एपीथिलियल सेल किस की है ग्लैंड्स की मेमरी ग्लैंड पढ़ा है इज़ क्लस्टर ऑफ सेल सो ये माओ एपीथीलियल सेल है एल्वियोलाई की उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां पे लैक्टेशन होगा इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन हॉर्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है इसी के साथ साथ जो प्रोलैक्टिन है ये प्रोलैक्टिन क्या करता है लगातार मिल्क को सिक्रीट कराता रहता है जिससे एज पर द रिक्वायरमेंट बच्चे की फीडिंग को मेंटेन किया जा सके जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हर दो घंटे में दूध पिलाया जाता है यानी कि जो सेल्स हैं वो एक्टिवली काम कर रही हैं एक्टिवली काम कर रहे हैं क्या मतलब क्या है कि वो लगातार मिल्क सिक्रीट कर रही हैं तो उस सिक्रीशन का कारण कौन सा हॉर्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों ही मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं और एक्ट करके बच्चे की मिल्क रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं एक कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो दूसरा सेल्स को स्टूमुलेट करता है मिल्क सिक्रीशन के लिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जब बच्चा पैदा होता है और पहले या दूसरे या तीसरे दिन अपनी माँ का दूध पीता है तो वो दूध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस बच्चे को पिलाना क्योंकि वो रिच इन एंटीबॉडीज़ है उसमें आई नाम की एंटीबॉडी होती है जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अब इसी के साथ साथ जो पहले कुछ दिन जो मिल्क आता है ब्रेस से उस मिल्क को बोला जाता है कोलोस्ट्रम कोलोस्ट्रम इज द मिल्क जस्ट जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी यानी कि पार्ट ड्यूरेशन के जस्ट बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है या जो मिल्क इजेक्ट होता है उसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है और उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं आई जी जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर यानी कि बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करती हैं। तो ये इस तरीके से नर्वस सिस्टम का कंट्रोल भी रहता है लैक्टेशन में सो तो ये सारी की सारी जो चीजें हमने पढ़ी कि जो हार्मोन कंट्रोल है ये सारा का सारा किसके अंडर आता है ये आता है लैक्टेशन में और जब बात आती है रिफ्लेक्स की तो इसीलिए इसको बोला जाता है लैक्टेशन रिफ्लेक्स तो दिस हेडिंग इज लैक्टेशन रिफ्लेक्स कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन तो इस टॉपिक तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिटेल पढ़ लिया है नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में